बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, आज एक पानी बता रहे हैं। ये पानी जो है कबूतर को जो है थोड़ा घर पे, जिसके कबूतर घर पे खड़े हों, बल मार रहे हों, घर से आगे नहीं हो रहे हों, ये उसके लिए पानी बना रहे हैं। जिस भाई के कबूतर मतलब घर से हिलते भी ना हों, घर पे रुके हुए हो, और वो भाई परेशान हो कि मतलब हमारे कबूतर घर पे रुके हुए, आगे पीछे जाते नहीं है, हिलते नहीं है, उड़ते उड़ाते हैं, सिर्फ घर पे गोल घूम के बैठ जाते हैं, तो उनके लिए ये पानी बना रहे हैं। इंशाल्लाह वो ये पानी लगाएंगे, 3 पानी कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह उनके कबूतर जो है घर से हिलना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह आगे पीछे भी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे ये पानी बना दें। बहुत से भाई हैं नए शौकीन हजरात जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें नहीं पता, तो उनको हमने कहा चलो उनके लिए जो है ये पानी बनाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह आपने ऐसे पत्थर ले लेना है। पत्थर लेके आपने 20 एक दखनी मिर्च ले लेनी है, 20 एक दखनी मिर्च, ये देख सकते हो, ये है 20 एक दखनी मिर्च। ठीक है व्यूअर्स, 20 एक दखनी मिर्च लेनी है आपने, और इसी तरीके से आपने इसी पत्थर पे रख लेना है 20 एक दखनी मिर्च, इसी पत्थर पे आप रख लें और इसको इसी तरीके से तोड़ लें। तोड़ के ये आपके पास वो छोटा पत्थर, इसमें हम छुरी तेज करते हैं, वो पत्थर पे आप घिसाना चाहें तो घिसा भी सकते हैं, नहीं तो इस पत्थर पे आप इस तरीके से 20 एक दखनी मिर्च लेना है, 20 एक, और ये 50 कबूतरों का बता रहे हैं, 50 कबूतरों का। इसी तरीके से आपने इसको हल कर देना है। बहुत से नए शौकीन है जिनको कबूतर लेके आ जाते हैं और उनको जो है ना तावे कराने के बाद तावे कराते रहते हैं, आगे पीछे हो नहीं सकते कबूतर, क्योंकि कुछ लगाएंगे नहीं तो कबूतर कहाँ से, घर पे ही रह जाएगा। जब आप कुछ खेल लगाओगे तो कबूतर घर से हिलेगा, तो मैंने कहा चलो बताएं। इसी तरीके से आपने पानी बनाना है, तो 20 एक दखनी मिर्च जो है वो हल हो चुकी है पानी में। पानी आपने एक ही कुंडा लेना है, जितना कबूतर आपका पानी पीते हो। ठीक है व्यूवर्स, उसके बाद आपने क्या करना है, आप बाल्टी ले लें, आप बाल्टी इसके आपने 40 से 50 गिस्से लगा लेने, 40 से 50 गिस्से आम बाल्टी के इसी तरीके से आपने लगा लेने, क्योंकि जब कबूतर ज्यादा बल मार रहा होता है ना तो उसके कुंडे जाम होते हैं। इसके लिए आप आम बाल्टी घिसेंगे तो उसके कुंडे जो है ना हल्के हो जाएंगे, सीना भी हल्का हो जाएगा, कुंडे भी हल्के हो जाएंगे, तो वो जो है ना कबूतर फिर घर को जो है ना छोड़ेगा, हिलेगा घर से, जब वो बल बल नहीं मारेगा फिर वो सीधा सीधा चलेगा। तो ये हल्दी जो है ना सीने कुंडे साफ करती है, कबूतर के सीने कुंडे हल्के करती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अब हल्दी के 50 गिस्से आपने, या 40 गिस्से या 50 गिस्से इसी तरीके से आपने लगा लेने, ताकि इसका अर्क भी निकले। इसी तरीके से आपने लगाना है कि इसका अर्क निकले। आप देख सकते हो कैमरा फोकस कर रहा है, ये इसका अर्क निकाल रहा है, देखें। तो इसी तरीके से हम बाल्टी आपने घिस देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इलायची ले लेनी है, 4 इलायची, इलायची लेनी है 4। ठीक है व्यूअर्स, 4 एक इलायची लेनी है, इसके आपने दाने निकाल के पानी में घिस देने हैं। कोशिश करना दाने अच्छे हों लाइची के, ठीक है, आपने कोशिश करना है दाने लाइची के अच्छे हों।
ठीक है व्यूअर्स, इसी तरीके से आपने इसके ऊपर, मैं तो आपको दिखाने के लिए पानी बना रहा हूं, लेकिन अगर आपको दाने लाची के देखा ना, ये ब्राउन दाने निकल के आ गए, ये है ब्राउन दाने, आप देखना आपको लाची में काले दाने निकले, लाची में काले दाने निकले, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ पानी, देखिए ये इसके दाने काले हैं, इसी तरीके से काले दाने वाली इलायची आपने लेनी है। बहुत सी इलायची के अंदर से ब्राउन दाने निकलते हैं, बहुत से इलायची के अंदर से काले दाने निकलते हैं, और जिसके दाने ब्राउन हो वो इलायची आपने नहीं लेनी, जिसके दाने काले हों वो इलायची। कोई भी खेल में आप, कोई किसी भी खेल में आप जो है ना, किसी भी खेल में आपने जो है इलायची के, इलायची कोई भी खेल में आप इस्तेमाल करो तो उसके दाने काले ही होने चाहिए, ठीक है। चार एक इलायची लेके आपने इसी तरीके से पत्थर पे रख के आपने घिस देना है, क्योंकि सामान जो है ना आपने, अब इलायची आपने जो काले दाने वाली इलायची होगी ना, जब आप घिसोगे तो आपको महक देगी, आप पानी जब घिसोगे ना आपको महक देगी, तो जो इलायची अच्छी होगी ना उसकी महक होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने पूरा जो है इलायची आपने पानी में घिस देनी है, के बाद आपने क्या करना है, देखो ये इलायची हमने घिस दी है, असगर नागौरी ले लें, असगर नागौरी की आपने 2 इंच की पूरी डंडी ले लेनी है, 2 इंच की, ठीक है। इसी तरीके से रख के आपने पूरी डंडी घिस देनी है, आपने डंडी पूरी घिस देनी है, टाइम लगेगा आपको। और नए शौकीन हजरात को मैं बता दूं, डंडी अंदर से भरी भरी होनी चाहिए, पूरी डंडी पूरी भरी भरी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। जो हमारे पुराने शौकीन हैं इंशाल्लाह उन्हें तो सब पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, वो सब पता होता है उन्हें, क्योंकि हमने बहुत सी वीडियो में बता दिया है कि सामान कौन सा सही है कौन सा ख़राब है, ठीक है। बहुत 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 ही है सामान के ऊपर बड़ी होता है, जो सामान असली होगा ना, जो सामान सही होगा वही कबूतर पे काम करेगा। और आप खेल बना के लगा दोगे, कोई भी खेल है, कोई भी है, कोई भी खेल हो, आप बना के लगा दोगे सामान आपका अच्छा नहीं होगा तो आप बोलोगे यार खेल तो बेकार है ये, आप ऐसे ही बोलोगे, क्योंकि आपने सामान जो अच्छा नहीं इस्तेमाल किया उसमें तो क्या कबूतर काम करेगा। सामान अच्छा इस्तेमाल करोगे तो कबूतर भी काम करेगा, यही चीज़ होती है। तो इसी तरीके से इसको आपने पूरी डंडी घिस देनी है, तो भी मैं घिसने बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आपने मुलैठी ले लेनी है, मुलैठी मुलैठी के आपने तकरीबन 10 घिस्से लगाने, बस ज़्यादा नहीं, इसी तरीके से 10 घिस्से मुलैठी के लगा लें, तो थोड़ा जो कबूतर को 10 घिस्से लगाने से क्या होगा, कबूतर की जो चोंचे हैं ना वो थोड़ी बंद होंगी, बस ज़्यादा नहीं लेना आपने, ये नहीं है कि आपने इसके ज्यादा हिस्से लगाने, नहीं बिल्कुल 10 हिस्से, 10 हिस्से बहुत है, ठीक है भी, बस इसके 10 हिस्से हो गए। उसके बाद आपने लेने हैं बादाम, बादाम बादाम ले लें, 4-1 बादाम, ठीक है भी, बस 4-1 बादाम ले लें, और बादाम को जो है आपने हल्के हाथ से घिसना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ऐसे हल्के हाथ से बादाम को घिसना है, ऐसे बिल्कुल हल्का हाथ रखना है आपने, इस तरीके से रखना है कि हाथ आपको लगे कि बस बादाम जो है खुद ब खुद जा रहा है, ठीक है। तो हल्के हाथ रखने से क्या होता है, बादाम का जो अर्क है ना, बादाम का जो अर्क होता है ना वो पानी में हल होता है,
अगर हमने दबा के घिसना है, दबा के घिसेंगे तो इसकी बन जाएगी गरी, गरी बन जाएगी। गरी जो है वो फिर आप जब पानी रखोगे ना तो गरी जो है सारी नीचे बैठ जाएगी। इसी तरीके से हल्के हाथ से आपने बादाम को घिसना है, हल्के हाथ से, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से जिसका कबूतर घर पे खड़ा हो, ना हिल रहा हो, घर पे गोल गोल घूम रहा हो, ये उसके लिए है पानी बनाया हमने, ठीक है। ये नहीं कि आपके कबूतर अच्छे उड़ रहे हो आप ये पानी लगा के कबूतर को खराब करो, नहीं, इस तरीके से मत करो। जिस भाई के कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं वो उस पानी पे वही पानी कंटिन्यू करे, वही पानी चला के रखे। और ये उन शौकीन हजरातों के लिए हमने बनाया है जो मतलब नए शौकीन हजरात हैं जिनके कबूतर घर पे खड़े हुए हैं, बल मार रहे हैं और कबूतर हिल रहे भी नहीं है, वो ये पानी लगाए। इंशाल्लाह कबूतर उनका घर से हिलना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हाई क्लास खेल पे आ जाए, इससे ऊपर वाले खेलों पे आ जाए। पहले यही खेल कंटिन्यू करे, कबूतर उसके अच्छे हो जाए, कबूतर उड़ने लग जाए, उसके बाद वो अच्छे अच्छे खेल लगाता जाए, कबूतर और भी अच्छा काम करता जाएगा। फिलहाल ये पानी लगाने से उनका कबूतर जो है घर के पास शुरू हो जाएगा, आगे पीछे होना शुरू हो जाएगा, कबूतर नज़दीक जो कबूतर होते हैं उनमें लड़ने वड़ना भी शुरू कर देगा कबूतर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपने चार बादाम घिस देने, ठीक है व्यूअर्स। तो आपको एक और बात मैं बता दूं, मैंने एक नया चैनल बनाया था, अभी बनाया एक नया चैनल, तो उस चैनल की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाएं उस चैनल पे विजिट भी करें, इंशाल्लाह उस पे जो है हम बीमारी के, जो कबूतरों की बीमारी के मुतालिब जो भी है खेल वो बताते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप भाई जाएं उस चैनल पे विजिट करें, उस पे भी आप भाइयों को जो है फायदा होगा, क्योंकि कबूतरों के साथ बीमारियां भी होती हैं। इस चैनल पे मैंने बीमारी के कोई खेल नहीं डाले हुए, मैंने सोचा चलो एक नया चैनल बनाए उस पे बीमारी के जो होते हैं, कबूतरों को लकवा हो जाता है, कबूतर सोखड़े में आ जाता है, कबूतरों को ठंड लग जाती है, बहुत से हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, कबूतर बीमार होने लग जाते हैं। तो जोड़ों के भी हिसाब जो जोड़े वाले होते हैं शौकीन, उनके लिए भी वहाँ पर हम वीडियो डालेंगे, ताकि पट्ठों वाले शौकीन जो होते हैं उन्हें तो मेडिसिन की ज़रूरत होती है हमेशा, क्योंकि पट्ठे बना रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कबूतर में, जोड़े वाले कबूतरों में सब बीमारियाँ होती हैं। तो ये तो जो है इसके लिए हमने कहा चलो एक चैनल बनाए, वहाँ बीमारियों के जो हिसाब किताब है वो सारे बताएंगे उस चैनल पे, ठीक है व्यूअर्स। तो उस चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप भाई जाएं उस चैनल पे विज़िट करें और इंशाल्लाह ये पानी बनाए अपने कबूतर पे रखें और हमें दुआओं में याद रखें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।